तो आईपीएल 2025 के शेड्यूल का हो चुका है ऐलान, क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो आईपीएल 2025 का डेट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो आईसीसी और बीसीसीआई ने कर दिया है कंफर्म। तो आप एक तरीके से लेके चलिए कि जो आईपीएल 2025 होने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जून चलता हुआ नजर आएगा। विंडो को बड़ा कर दिया जाएगा क्योंकि इस बार होने वाले हैं टोटल मिला के 84 मैचेस। कैसे मैं ये चीजें कह रहा हूँ, किस चीज पे बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो कल यहाँ पे काफी बड़ा अनाउंसमेंट होता है और साफ साफ निकल के आता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होने वाला है वो 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक होने वाला है और जो 16 जून रहने वाला है वो रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। तो यानी इसका साफ साफ मतलब है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे जब फाइनल रखा गया था तो वो 7 जून को रखा गया था, लेकिन इस बार का जो फाइनल है वो 11 जून से रखा गया, यानी कि एक हफ्ते जो एक्सटेंड होगा वो थोड़ा सा आपको जो देखने को मिलेगा आईपीएल का ही मसाला देखने को मिलेगा, क्योंकि कुल मिला के 84 मैचेस होने वाले हैं और 84 मैचेस प्रीवियस विंडो के हिसाब से ये कंप्लीट नहीं किए जा सकते। इसको कम से कम 2.5 महीने लगेंगे और उन्हीं को पूरा करने के लिए अगर बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या सेकेंड वीक ऑफ मार्च से यहाँ पे बेसिकली हो सकता है कि स्टार्ट हो सकता है आईपीएल और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून चलता हुआ नजर आएगा। यानी इन्हीं के विंडो के बीच में आपको पूरा आईपीएल शेड्यूल देखने को मिलेगा, जो कि इसकी काफी यहाँ पे 99% पॉसिबिलिटीज हैं। और उसके साथ अगर बात करी जाए तो उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, जो कि इसका सीधा सीधा अंदेशा यही दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के भी आंसर एंग में करेंगे, लेकिन हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे न्यूज के बारे में। तो जो दूसरी न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रायना को लेके। हाँ गाइस, सुरेश रायना को लेके काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पे रायना को अप्रोच करते हुए नजर आ सकती है एज अ बैकिंग कोच। हाँ गाइस, अगर बात करें तो यहाँ पे सुरेश रायना ने इस बार थोड़े से जो कि कहीं इन्होंने एक बयान दिया था जहां पे इन्होंने साफ साफ बताया था कि अगर चेन्नई मेरे को एज अ बैकिंग कोच अगर लेने की कोशिश करती है तो मैं चेन्नई की टीम में जाने को जरूर तैयार हूं एज अ बैटिंग कोच। और अगर बात करिए तो चेन्नई सुपर किंग्स बहुत पहले से कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर रही है कि सुरेश रैना को टीम में कैसे न कैसे करके फिर से वापसी करवाया जाए एज अ कोच ही। तो यहां पे इसके पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं कि मेगा ऑक्शन के बाद यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना को एज अ बैटिंग कोच अपने टीम में शामिल कर सकती है। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं सुरेश रैना एज अ बैटिंग कोच आए या ना आए, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वही फाइनली बात करने वाले हैं तीसरे न्यूज के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको कह दूं जैसे ही वीडियो खत्म होगा, कल एक घंटे की लाइव हुई थी 9 से 10 रोज लाइव होगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा, फटाफट से चले जाएगा जैसे ही वीडियो एंड होगा वहां पे तुरंत आपका यहां पे लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे काफी लोग हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे थे, काफी लोगों के आंसर मिले, काफी फन भी होता है, क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप भी चीजें बता सकते हैं, सब चीजें होता है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जाइए बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, क्रिकेट हमारे जैसा टेलीग्राम आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स आल्सो पिन। तो वही फाइनली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, तो यहाँ पे मुंबई और स्काई के बीच में कुछ तो खिचड़ी या कुछ राइवलरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको ही पता है कि सूर्य कुमार यादव को चाहिए मुंबई इंडियंस की कप्तानी, मुंबई इंडियंस तैयार है हार्दिक पांड्या को फिर से कप्तान बनाने को, इसको लेके थोड़े से उखड़े हुए हैं सूर्य कुमार यादव। और जब कोई प्लेयर किसी टीम से उखड़ जाता है और एट द एंड तक अगर वो प्लेयर मानता नहीं है तो क्या चीजें होती है, प्लेयर टीम को छोड़ देता है, तो वही चीज यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है कि चांसेस अच्छे खासे हैं अगर सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस कप्तान नहीं बनाती है तो सूर्य कुमार यादव ऐसे चांसेस हैं कि वो मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ सकते हैं और वो ऑप्शन का रुख यहाँ पे अपना सकते हैं। अब देखिए चीजें आगे क्या होती हैं, क्या फाइनलाइज कर किया जाता है, लेकिन खबरें यहाँ पे लगभग यही तय है कि कुछ चीजें पट नहीं रही हैं, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस एज अ कैप्टन उन्हीं को लीड करना चाहती है, हार्दिक पांड्या को आगे लेके जाना चाहती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव मांग कर रहे हैं कि मेरे को भी कप्तानी चाहिए। अब देखिए चीजें आगे क्या होती है, क्या विचार विमर्श होता है, क्या कोई एक सॉलिड ठोस निकलता है, लेकिन चांसेस यही है कि सूर्य कुमार यादव भी हो सकता है मुंबई इंडियंस रिलीज हो सकते हैं। फाइनली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन निकल के आता है, जो क्वेश्चन सामने निकल के आता है वो निकल के आता है कि भाई बिग फैन, थैंक यू सो मच ब्रदर। और उसके बाद बात करें तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है, क्या रोहित शर्मा चेन्नई में आ सकते हैं, क्या रोहित शर्मा चेन्नई में आ सकते हैं, काफी बड़ा सवाल है। तो अगर मैं बात करूं क्या रोहित शर्मा चेन्नई में आ सकते हैं, मैं सीधा एक वर्ड में ये जवाब देना चाहूंगा, नहीं। नहीं क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा ठहरने वाले हैं मुंबई इंडियंस में ही, क्योंकि मुंबई इंडियंस उन्हें अपने साथ बना के रखना चाहेगी और चांसेस यही है। भले ही इनसाइड स्पोर्ट्स का खबर है कि रोहित शर्मा रिलीज हो सकते हैं,
लेकिन अगर रोहित शर्मा रिलीज होंगे तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में नहीं आएंगे, ये मैं थोड़ा सा क्लियरेंस कर दे रहा हूँ। यही सेम क्वेश्चन कल टेलीग्राम के भी लाइव में पूछा गया था और वहां पर मैंने यही चीज कहा था कि रोहित शर्मा अगर ऑक्शन में आते हैं तो कौन सी टीम ज्यादा प्रीफर करेगी, वो टीम इनके पीछे जाने की कोशिश करेगी जिनके पास कप्तान नहीं है, जैसे आरसीबी हो गया, हैदराबाद हो सकता है कि पैट कमिंस को रिलीव कर दे तो हैदराबाद हो गया, पंजाब हो गया, ऐसी टीमें हैं वो जाना चाहेंगी यहाँ पे रोहित शर्मा के पीछे, तो ये टीमें जाने की कोशिश करेंगी। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि चेन्नई के हक में रोहित शर्मा आ सकते हैं, तो जिनके पास कप्तान नहीं है वही रोहित के पीछे जाने की कोशिश करेगा। फाइनली बात करने वाले अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, भाई दीपक चाहर को चेन्नई इस बार छोड़नी चाहिए। छोड़ देंगे यार, दीपक चाहर की अगर बात करें तो दीपक चाहर का मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो साथ था चेन्नई का वो यही तक था और दीपक चाहर होने वाले हैं टीम से रिलीज। मेरे को नहीं लग रहा है कि अब चेन्नई के आगे सर्व करेंगे। मैंने तो जब आईपीएल चला था उसी टाइम कह दिया था दीपक चाहर ये आखिरी बार जर्सी चेन्नई का पहन के खेल रहे हैं, देखना है देख लीजिए, आइंदा वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो वही सेम चीजें हैं और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि दीपक चाहर अब चेन्नई में आएंगे। तो गाइस ये थी आज की वो सभी न्यूज। हाँ, और अगर आप भी अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, एक कमेंट यहाँ से उठेगा और दूसरा कमेंट टेलीग्राम से उठेगा, तो दोनों को फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल करते हैं।